सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। जय जोहार संगवारी हो, आप मन देखा था सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। आज छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान और सोच विचार मीडिया एक ऐसे बहन ले बातचीत गोट बात करीस जो छत्तीसगढ़ी बोली भाखा और अपन बहनी मन के कैंसर जैसे इलाज के साथ साथ गरीब लड़का मल्ला पढ़ाई लिखाई उमल्ला रोजगार घलो देवाइस और निरंतर अपन समाज सेवा देते आते ऐसे बहन संध्या ला आप मन ले रूबरू कराथन। आओ देखथन। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में, मैं ममता सोनी और आज सोच विचार मीडिया की पूरी टीम पहुंची है राजधानी रायपुर स्थित गुढ़ियारी। जी हां, हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के प्रांताध्यक्ष के यहां, जिनका नाम है डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान। और चौहान सर हमें रोज प्रतिदिन नित नए ऐसे नारी शक्ति से रूबरू कराते हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि आज जिन नारी शक्तियों से वो हमें रूबरू कराने वाले हैं, जो नारी समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पूरे जितने भी वर्ग हैं उन सभी के लिए जो प्रेरणादायी बने हैं, तो आज उनसे जानते हैं कि आज हमसे किनका परिचय कराने जाए। स्वागत है आपका सोच विचार मीडिया में। डॉक्टर उदय भान सर जी, हम जानना चाहते हैं कि आप किन महिलाओं से आज हमारा सोच विचार मीडिया को और जनता को आप रूबरू कराने जाएंगे जो संपूर्ण नारी समाज के लिए एक प्रेरणादायी बनती जा रही है। संगियों, चलो संगी को आज हमन ऐसे अपन आज गोट बात ला आगे बढ़ा थान और हमारे बीच ऐसे संगी दुर्ग से उपस्थित हुए है सवे सब पहले मो सब संगी मल्ला जय जोहार। आज मैं अपन ऐसे जो नारी हमार छत्तीसगढ़ के महतारी मन है, दाई मन है, ओकर सेवा में जो हमार गांव में वृद्धा मन रहते हैं बोला पढ़ाई लिखाई में और शिक्षा में और साथ में हमार दाई माई मन के स्वच्छता के अज्ञानता के वजह से जो कैंसर जैसी ऐसी बहुत सी बीमारियों से उनको जागरूकता लाने का काम करने वाली ऐसे बहनी यहाँ उपस्थित हुए है दुर्ग जिला से। मैं सीधा ओकरे पास ले चलता हूँ संगी, ओकरे के से हमन गोट बात करबो और अपन वो गोट बात में बताही कि मोर हा समाज सेवा करे में कैसे मोला आनंद और कैसे एक प्रेरणा मिली। लीजिए, हम उन्हीं से संध्या जी से बात करते हैं। जय जोहर संगवारी हो, मैं हर एक साधारण से गृहिणी हूँ। मोर शादी हुई 84 में, तो ससुराल गयो मैं गांव में रहे हूँ। तो वहाँ प्रौढ़ शिक्षा पर सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत में मोला चुनीस प्रौढ़ मन ला पढ़ाए बढ़ाए बर। तो एकदम जेन निरक्षर से अंगूठा छाप रही है जेन बहनी मन है दाई मन है, कम से कम 10-15 जन ला मैं शिक्षित करे और वो मन है अपन दस्खत करे ला शुरू करीन है। तो मोला बहुत आनंद अनुभूति हो इस तरह वोकर से मोला इसे पढ़ाई में बहुत अच्छा लगा। मैं अपन घर के भाई बहनी मन छोटे भाई बहनी मन ला भी पढ़ाते रहे हूँ। तो ये सियान मन ला पढ़ाए तो मोर मन में लगी इसके मैं जब सियान मन ला पढ़ा सकत हूँ तो मैं छोटे लड़का मन ला भी पढ़ाओ, क्योंकि गांव में ट्यूशन व्यूशन का कोई सुविधा नहीं रही से और लड़का मन है 7वीं 8वीं पढ़ के छोड़ दे। तो वो लड़का मन ला मैं है बुलाऊँ अपन करा, पहले कुछ दिन खेला नो ओकर मन संग, वो मन ला चॉकलेट बिस्कुट देन तब ओकर आय के डर है झिझक है दूर हो गए। ओकर बाद वो मन ला ट्यूशन पढ़ाए शुरू करूँ मैं है बिना पैसा के। तो मन पढ़े और खुश होके आखिरी में खेल के पहाड़ा रटाए जिसे हमारे स्कूल में हमन रटन हुई इसने, वो निरंतर अभी तक मैं करा था। लड़का मन खुश हो जाए और लड़की मन जिन पढ़ाई छोड़ दे रही है वो मतलब मैं प्रोत्साहित कर करके वो मतलब पढ़ाए भी हूँ। मैं 10th तक पढ़ा सकते रही हूँ, बाकी पर मैं अलग से कोई ला कहाँ कि तुम ये पढ़ा दो पैसा मैं दूँ इसे ही कि मैथ से इंग्लिश से तेन ला। तो ऐसे करके वो लड़का मन है 12वीं पास हो गए। 12वीं पास होने के बाद ओकर मन कर लगे इसका न हम पढ़े ना अनपढ़ तब कुछ काम करे में संकोच है। तो वोला मैं है सिलाई वगैरह सिखवाए और कुछ मन ला अपन साथ रख के खाना वाना बनाए बर सिखाए। तो आज मन है वो लड़की मन है भिलाई में बहुत अपार्टमेंट वगैरह हो गए है वहाँ वो मन खाना बनाए काम करते थे। तो कुछ मन सिलाई सीख के सिलाई करे थे। एक साथ साथ मोला लगी आस पास देखे हूँ एक दो जन महिला मन अक्सर बीमार रहे। तो मैं क्या चलो तुम मतलब मैं सरकारी अस्पताल लेके जाता हूँ। सरकारी अस्पताल लेके गए वो मतलब तब पता चली कि वोला कैंसर है कि। तो ये महिला मन हर खासकर ग्रामीण महिला मन अपन स्वास्थ्य के प्रति बहुत लापरवाह होते। तो मोला लगी शेखर पर भी मोला कुछ करना चाहिए कि के। तब मैं 2004 में अपन गांव में गांव कातुल बोर्ड में पहली बार कैंसर के शिविर लगाऊँ जेमा मोर भतीजी डॉक्टर है तेना पहली बार वोला शुरू करीस। ओकर बाद निरंतर ये शिविर बढ़ीस एमा मोर बहुत वरिष्ठ डॉक्टर मन भी सहयोग दिन मोला
बिना कुछ लिए हुए हमार स्वास्थ्य केंद्र में आवे और अपन सेवा देवे, जानकारी देवे और कुछ मेडिसिन भी लाए, जिन मतलब सामान्य कुछ बीमारी रहे तो ओकर दवाई वाई देवे। जिमां डॉक्टर अरुण मढ़हरिया है, अभी ये सर हॉस्पिटल के डॉक्टर आलोका विभा राव जो कैंसर स्पेशलिस्ट है, ओकर मन के मोला संध्या मढ़हरिया है, अनेक डॉक्टर है जेकर मन के मोला बहुत सहयोग मिले। रुंगटा कॉलेज के डेंटल कॉलेज से भी मोला सहयोग मिले हावे, अपन समाज में शिविर लगवा रहे हमें यहाँ कंप्यूटर प्रशिक्षित करे मल्लिका मल्ला अपन गांव में भी। एमा मोला छत्रपति शिवाजी कॉलेज के जिन हावे वहाँ से बहुत अच्छा सहयोग मिली। एग्रीकल्चर कॉलेज में मैं महिलाओं मन भर मुर्गी पालन गाय पालन एक प्रशिक्षण दिलवाएँ, जेमा उमन आज अपन रोजगार चलाते हैं। इसे बहुत अकन क्षेत्र है जेमा मैं हाँ करे। अभी शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और साथ में स्वावलंबन की तीनों बातें उन्होंने अपनी सामाजिक दायित्व को निर्वाह करते हुए संध्या ने बताई है, और एक दुर्ग और ग्रामीण से गांव विलेज से कैसे रहते हैं उस परिवेश में और झुग्गी झोपड़ा में बच्चों को शिक्षित करने का और जो निराक्षर हैं वृद्धा उनको पढ़ाने का बुजुर्गों का, ये अपने आप में बड़ा पुनीत कार्य करे हैं। ये पुनीत कार्य के लिए छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान की ओर से सोच विचार मीडिया की ओर से बोला हम कोटि कोटि बधाई देतन धन्यवाद देतन कि इसी तरह से निरंतर आगे बढ़ें और समाज को एक सुसंगठित सुशोभित और उज्ज्वल भविष्य के लिए यही आईना दिखाते रहेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं चाहूँ कि अपन छत्तीसगढ़ के जो मातृशक्तियाँ हैं महिलाएं हैं उनको लिए अपील इस संस्थान से जोड़ने के लिए मैं चाहूँगा कि अपने जो समाज के हैं और अपने स्वाभिमान के लिए वो नारी शक्ति को क्या संबोधित करके जोड़ना चाहती हैं और कैसा कहेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं। आखिरी बात वो उनसे चाहता हूँ कि संध्या अपना समाज को क्या दे। मैं चाहूँ कि हमन छत्तीसगढ़ के पावन माटी में जन्म ले हन, सबले पहली मैं चाहूँ कि हमार मातृभाषा बोलबोन पढ़बोन लिखबोन तभी जीवित रही, तो एला हम कम से कम प्राथमिक कक्षा तक सरकार है लागू कर दे तो बहुत अच्छा हो। हमारे छत्तीसगढ़ भाखा है बचे रही जिन हाँ विलुप्त तो हो असन हुआ थे तेन हाँ एक बार बहुत झनमन प्रयासरत करत है, और माननीय मुख्यमंत्री जी लभी मैं बधाई दूँ और काबर की वो मन जब से इसे हमारे संस्कृति परम्परा और बोली भाखा ला अपन वहाँ लाने हैं व्यवहार में लाने हैं, तो जिन मन नहीं बोलत रहीन है तेनों मन बोलत है, तो मोर सबसे ज़्यादा चाहे यही हरे कि मोर मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है जीवित रहे, एक बार हमन सब छत्तीसगढ़ी ला बोलन और पढ़न और लिखन यही चाहत हूँ। और मोर बहनी मन है अपन आसपास जोन भी देखा थे जोन भी समस्या से जूझत मन ला देखा थे वोकर समस्या के समाधान करे इस बस यही चाहूँ मैं। बहुत अच्छी बात गोड़ बात करे है कि हमार माति बोली भाषा भाखा हमार साथ में रही तो हमार संस्कार बचे रही, और छत्तीसगढ़ के सरकार के भी बधाई दे है यहू खातिर मैं ओहूला वो कहा हूँ कि हमार धर्म संस्कृति के साथ हमार प्रदेश विकास करे। इन्हीं भावनाओं इन्हीं के तहत मैं पुनः बोला धन्यवाद देता हूँ और साथ में अपन सोच विचार मीडिया ला और यहाँ जो समय दीस ये कर लिए और साथ में ओकर बड़ी बहनी यहाँ लाए है, तो मैं चाहता हूँ कि जब हर घर से इस तरह से एकता के ये सूत्र इसने बनते कि अपनी बहन को भी लाकर ये जो जोड़े के पुनीत कार्य करे है ये पुनीत कार्य के लिए भी वहूल मैं बधाई देता हूँ कि कहीं भी ये जो अक्सर होते कि बहनी बहनी नहीं एक साथ चले तो वहू के आज वो परिचय दे है समाज में सोशल में ला के एक बधाई के पात्र है। हमारे सुनीता टिकरिया जी अब बोला मैं कहा कहूँ मैं गीत है सुना के वहीं से डमरू बजा दी से अभी बगन बैठ के ले सबोला भोले बाबा के और पूर्व छत्तीसगढ़ महातारी के सभी के आशीर्वाद बने रहे। जय 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 जोहर काली फिर हम मिलबो नए शख्सियत नई हस्ती के साथ जो छत्तीसगढ़ के हमारे अनमोल रत्न है, ऐसे महातारी से काली गोट बात करबो भाखा में चर्चा करबो वो कर का है दिशा है। जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया सोच आपकी नजरें हमारी।